पढ़ने वाले हैं। साथियों, समझौता किस्तों का किया जाता है, रिश्तों का नहीं। साथियों, जिंदगी और साइकिल दोनों का रिलेशन एक जैसा है। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कमजोर जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है तो बड़े बड़े ताकतवर को भी तबाह कर देता है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम सब पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ बेटी बेसी प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 2 नंबर सवाल। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कहां पढ़ना है। अब हम सब डायरेक्ट आते हैं, पॉइंट पे बात करते हैं। तो सवाल क्या है बाबू, सवाल को देखिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण या छोटा कोण, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलते हैं डायरेक्ट हम हल की ओर। सबसे पहले हल लिखेंगे और शुरू कर देंगे। माना कि संपूरक का बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। तो आप लोग ये लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो प्रश्न से सबसे पहले, जब प्रश्न से चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग सवाल को देख लेंगे कि कह क्या रहा है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, और जब दोनों x प्लस वाई बराबर क्या है, 18 डिग्री है। दोनों का कोण क्या है, x और y मिलाकर के 18 डिग्री का है, तो समीकरण एक रहेगा। फिर दूसरा में क्या कह रहा है कि उन्हें ज्ञात करना है जो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण है। तो संपूरक कोण क्या होता है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये संपूरक कोण। तो सबसे पहले हमें संपूरक को याद रखना होगा कि संपूरक का मतलब हुआ x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। दूसरा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़का कोण छोटका कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसको एक और एंगल के हिसाब से आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, जिस इस तरह से, जैसे x है बराबर कर लेंगे और दूसरे नंबर में क्या करेंगे, y करेंगे और 18 अधिक करेंगे। तो क्या होगा, x और ये प्लस में तो माइनस में y बराबर 18। इस तरह से समीकरण एक को भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम सब डायरेक्ट इसे हल करते हैं। समीकरण एक से, एक से जब चलेंगे तो एक को नोट करेंगे, एक को नोट क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 18। तो x बराबर क्या होगा, 18, ये माइनस में है तो प्लस में वाई, यानी कि x का मान आ गया। अब हम सब निकालेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखना है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को नोट करेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो बाबू ध्यान से देखना है कहां से आया है ये समीकरण 2 जो लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए हमें x का वैल्यू चाहिए, x का मान क्या है, 18 प्लस वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 18 प्लस वाई, फिर प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x और y दो जात मिला तो 2y बराबर 180 डिग्री, और ये प्लस में है तो क्या होगा, ये माइनस में 18 डिग्री, तो 2y बराबर घट के 162, यानी कि 180 में से 18 घटेगा तो क्या बचेगा बाबू, 162। गुड, चलिए y बराबर क्या होगा, 162 और गुना में है तो भाग में 2, काटेंगे तो क्या होगा, 8 × 16, 8 × 1 = 8, यानी कि 81 आएगा। तो y का मान क्या आएगा, 81। अब y का मान आ चुका है तो अब हम क्या निकालेंगे, x का मान कहां से लाएंगे, यहां से। ये ध्यान रखना होगा बाबू
कि एक्स का मान 18 प्लस वाई है, एक्स बराबर 18 प्लस वाई, तो 18 के 18 रहेगा। वाई का मान कितना आया है, वाई का मान 81 आया है, यहाँ लिखेंगे 81 और जोड़ेंगे 819 यानी 99। तो एक्स का मान 99, वाई का मान बाबू देख लीजिए 81, तो ये दोनों आंसर रहेगा, एक्स और वाई का मान। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस तरह का वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।